कुल्लू मनाली में -डिग्री टेम्परेचर के बीच देश के कोने कोने से पर्यटक नए साल के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटक व्यास नदी की लहरों में ठंडे पानी के बीच अठखेलियां कर रहे हैं, जिसे पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में नए साल के जश्न के लिए जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखकर कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार से जुड़े सभी कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक लौटी है। पर्यटकों की माने तो कुल्लू मनाली में नए साल के जश्न के लिए वे बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यटकों ने कहा कि नए साल के जश्न के लिए वे कुल्लू मनाली पहुंचे हैं। मुंबई से आए हुए नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली आए, ग्लाइडिंग किया है, रिवर राफ्टिंग किया है, जिप लैंडिंग किया है, ट्यूबिंग किया है, ये सब यहाँ किया है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का मजा आया, फ्लो इतना नहीं था बट इट वॉज फन। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं नए साल की छुट्टियाँ मनाने कुल्लू मनाली में, और यहाँ पे स्नोफॉल देखने आए थे तो मौसम विभाग ने बोला कि अभी 1 जनवरी से शुरू होगी स्नोफॉल, तो बस यहाँ पे न्यू ईयर मनाएंगे और नए साल की शुरुआत ही पहाड़ों पे करेंगे। राफ्टिंग ऑपरेटर संजय ठाकुर ने बताया कि नए साल के लिए कुल्लू मनाली में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न के लिए कुल्लू आने वाले पर्यटक एडवेंचर गतिविधियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आजकल पर्यटक काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं भैया। ये इस कारण है कि विंटर सीजन चला हुआ है, इस टाइम पे काफी लोग आ रहे हैं, अब न्यू ईयर भी आने वाला है तो इस करके काफी रश है यहाँ पर। हाँ जी, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है जो काम, जैसे मैंने बताया आपको, तो न्यू ईयर करके ये रश चला हुआ है इस टाइम पे। इसमें राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जो ऑपरेटर्स हैं और जो गाइड्स वगैरह हैं, इनको सभी को बेनिफिट मिल रहा है इस टाइम पर। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।